तो आज करवाइए कॉलेज में, जब कर ही नहीं सकते ऑलरेडी हो गया था, दीजिए क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं, हॉस्टल के बच्चों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करवा रहे हैं, उन सबका जवाब दीजिए ना, जवाब है तो मीटिंग बुलाए तो जवाब दीजिए, फिर ताला लगा दो। आपका प्रिंसिपल नहीं आ सकता तो हमको क्यों बुलाया है, पेरेंट्स को क्यों बुलाया है? आप कॉल करिए ना, मीटिंग के लिए हम तैयार है, मीटिंग के लिए आइए, मीटिंग के लिए बुलाया तो मीटिंग के लिए आइए ना। नहीं नहीं, नेक्स्ट मीटिंग के लिए हम नहीं है, रेडी नहीं है, हम रेडी नहीं है, हम हमारे पास फालतू टाइम है क्या, हमके पास काम नहीं है। इंटर आइलैंड से आए सर, रोज नहीं आ सकते हैं, सीएलए लेके आए हैं, पेरेंट्स आए, मैं माया बंदे से आई हूँ। आप हमको बोले ना, आप अपने प्रिंसिपल को कॉल करके बुलाइए ना, माया बंदे से आई हूँ, मीटिंग अनाउंस कर देंगे, आप हमेशा आपके अनुसार चलना है क्या? तो आज मीटिंग क्यों नहीं कंडक्ट करे, मतलब कोई ना कठपुतली बना के रखे है, जब बोलाएंगे आ जाएंगे। भविष्य के बारे में आए, अब क्या बोलेंगे, हम लोग सुनना चाहते हैं। आज का मीटिंग सुनिए, आज का जो मीटिंग रखे थे ये डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए रखे थे, सुनिए पहले आप लोग बात मत कीजिए, डिप्लोमा हाँ, आज का मीटिंग हम लोग जो रखे थे डिप्लोमा प्रोग्राम के स्टूडेंट्स का जो इशू उसके लिए रखे थे, ठीक है, और डिग्री के लिए अलग रखेंगे, हमारा ऐसा प्लान था। तो आज क्या हुआ कि हम लोग एक्सपेक्ट किए थे, हम लोग तैयारी किए थे डिप्लोमा प्रोग्राम का प्रॉब्लम को इशू डिस्कस कर, एक मिनट इशू डिस्कस करने के लिए, लेकिन 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 अभी देखा गया है कि डिग्री वाले भी साथ आ गए और साथ ही करना चाह रहे हैं, ऐसा है ना। तो आज तो डिग्री के लिए हम लोग वो सारा तैयारी नहीं किए हैं, तो इसीलिए नेक्स्ट डेट हम लोग रखे हैं। ये सर लोग भी हमारे लिए क्या, एक मिनट, आप लोग सबको क्या चाहिए बताइए, प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, मीटिंग चाहिए, कहता है कि डिप्लोमा और बीटेक जो है वो एक ही है, तो इनका मीटिंग क्यों अलग अलग, प्रिंसिपल भी एक ही है, एक प्रिंसिपल है, एक कॉलेज एक प्रिंसिपल, क्यों आप अलग कर रहे हैं इनको, प्रिंसिपल एक है, कॉलेज एक है, जहाँ भी आप आइए भाई, प्रिंसिपल आइए, प्लीज आइए एक साथ, दोनों एक साथ, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आइए प्रिंसिपल, प्लीज आइए, तैयारी कर बीटेक के लिए तैयारी होंगे, फिर आके बीटेक के स्टूडेंट को मीटिंग कराएंगे, ये लोग अभी बीटेक के स्टूडेंट के साथ तैयार नहीं है मीटिंग करने के लिए, तैयारी करके रखा था सब फ्लॉप हो गया, इनका जो तैयारी करके रखे थे सारा फ्लॉप हो गया, फिर से तैयारी करेंगे, इसलिए फिर से मीटिंग कराएंगे सर, इतना बोलिए ताला लगा दो, नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है, आप देख सकते हैं हम आज यहाँ पर डीब्रेट के ऑडिटोरियम के सामने खड़े हैं, और यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाए कि कई सारे पेरेंट्स और कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं आज यहाँ पर जमा हैं, और यहाँ पर जमा होने का इनका मकसद जो है वो हम इनसे जानेंगे, और यहाँ पर देखिए काफ़ी भीड़ है और पेरेंट्स जो हैं लगातार डिमांड कर रहे हैं, अपना डिमांड जो है अभी कॉलेज की अथॉरिटीज से हमने रखे हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आज यहाँ पर जो इतना भीड़ है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स यहाँ पर जमा है, तो क्यों जमा है, क्या मीटिंग यहाँ पर कॉल किया गया था, और क्या एजेंडा है इस मीटिंग का? सर एजेंडा मीटिंग तो कॉलेज वाले से ही पूछने सर क्या मीटिंग है, क्योंकि हम लोग एक हफ्ते से कॉलेज क्लासेस बाइकआउट करते हैं, एक इसका रीज़न मतलब इसका आंसर देना लगता स्टाफ कॉलेज को, वो नहीं पता क्या एजेंडा है, लेकिन अभी बहुत जन को घर में नोटिस दिया है कि आपका बच्चा क्लास अटेंड नहीं करता, तो आप लोग क्या करेगा कि आप लोग मीटिंग अटेंड करिए आज का दिन में, और ये जो नोटिस है ये किसको इशू किया गया, क्या डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को इशू किया है, या डिग्री के स्टूडेंट्स को इशू किया है, या उनके पेरेंट्स को डायरेक्ट किया, किसको गया है नोटिस? डिप्लोमा पेरेंट्स को, डिप्लोमा पेरेंट्स को, जो जो और डिग्री के पेरेंट्स को नहीं किया, डिग्री को पेरेंट्स को नहीं, एक नोटिस है उसमें लिखा है कि डिप्लोमा पेरेंट्स, डिप्लोमा स्टूडेंट्स और बीटेक का पेरेंट्स अलाउ करेगा मीटिंग में, बीटेक का स्टूडेंट्स को अलाउ मतलब नाम ही नहीं है, क्यों
क्वेश्चन मार्क है, इसका रीज़न पूछिए आप मीडिया वाला कॉलेज से पूछिए। सर आपका कहना है कि कॉलेज ने एक नोटिस इशू किया है डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को, डिप्लोमा के पेरेंट्स को प्लस डिग्री के पेरेंट्स को, पर डिग्री के जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये नोटिस नहीं इशू किया गया है कि आप मीटिंग अटेंड करें, मतलब वो मीटिंग में अलाउड नहीं है। तो अभी यहाँ पे पेरेंट्स और बाकी लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पे इतना भीड़ जमी हुई है, पेरेंट्स क्या डिमांड कर रहे हैं? एक्चुअली हम लोग को परसों दिन कंफर्म किया जो डिप्लोमा डिग्री वाले है एक साथ ही मीटिंग होगा, तो फिर बाद में हम लोग को हॉस्टल वालों को अलग से जाता, अभी अलग अलग बोला था उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो इसलिए अभी इधर में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी पेरेंट्स यहाँ पे क्या डिमांड कर रहे हैं? पेरेंट्स का एक ही डिमांड है कि डिप्लोमा स्टूडेंट, डिप्लोमा पेरेंट्स, बीटेक स्टूडेंट, बीटेक पेरेंट्स विद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी मीटिंग में प्रेजेंट रहना है, यही डिमांड है। जब तक ये चार क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिलेगा तब तक मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। मैम पहले जो है सिर्फ डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को अलाउ करेंगे बोल रहे थे, अब उन्होंने बोला है कि बीटेक के जो पेरेंट्स हैं वो जा सकते हैं लेकिन बीटेक के स्टूडेंट्स अंदर नहीं जा सकते हैं, तो क्या कहना है, क्यों ऐसा कर रहे हैं मैम लोग? वही तो मैं इनसे पूछ रही हूँ कि रीजन बताइए ना कि स्टूडेंट साथ में क्यों नहीं जा सकते। ठीक है, इनको बीटेक के स्टूडेंट से कोई मतलब ही नहीं है, इनको खाली बीटेक के पेरेंट्स आ जाए, स्टूडेंट आएंगे तो सारा जवाब इनको देना पड़ेगा, नहीं दे सकेंगे, इसीलिए डिप्लोमा बच्चे लोग को दबा दबा धमका के जो भी है मैनिपुलेट करना इनका काम है। अगर आज पेरेंट्स अगर बीटेक के पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं तो बच्चों को क्यों नहीं कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं कर रहे हैं? वही हम रीजन ही पूछ रहे हैं, हमको रीजन बता दो, इतना बार पूछ रहे हैं सर रीजन बताइए, रीजन बताइए, कोई भी जवाब नहीं दे रहा हमको, बिना जवाब दिए चले जा रहे हैं, तो हम क्यों ऐसे मीटिंग अटेंड करेंगे? जवाब चाहिए ना, हम पेरेंट्स को जब अलाउ कर रहे हैं तो बच्चों को क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उनसे पूछे, बीटेक का पेरेंट्स को अलाउ कर रहे हैं तो बच्चों को क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा कॉलेज एक है, डिप्लोमा और डिग्री दोनों का प्रिंसिपल एक है, एचओडी एक है, सब एक है, तो एक साथ बात करें, टाइम एक ले। मैम ये जो मीटिंग आज कॉल किया गया है तो कुछ इनविटेशन या कुछ लेटर सेंड किया गया होगा, उसका मैं क्या एजेंडा लिखा हुआ है मैम, कुछ एजेंडा लिखा है क्या उसमें? नहीं कुछ नहीं है, सिर्फ मीटिंग डे, क्योंकि ये 13 अक्टूबर का बात है जब हॉस्टल के बच्चों का कुछ प्रॉब्लम आया था कि जबरदस्ती हॉस्टल से बच्चों को लेके आ रहे थे लड़कियों को, तो उन्होंने कॉल करके बताया था, तो मैं भी अपना बेटे को लेके आई थी यहाँ पे, क्योंकि इतनी अकेली मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं उनके साथ में आई, तब बीटेक के स्टूडेंट और डिप्लोमा के स्टूडेंट और मैं, मेरे सामने में ये सर ने संजय, ये शंकर राव सर, संजय मल्होत्रा सर थे, उन लोग सब और बोले कि एक साथ बात होगा, जब डिप्लोमा डिग्री और पेरेंट्स को एक साथ बात करने का बात था तो इन्होंने डिप्लोमा के स्टूडेंट और डिग्री के पेरेंट्स को बुलाया है और बच्चों को नहीं बुलाया, तो ये कहाँ का इंसाफ है, जबकि हमारे सीएस और कमिश्नर जब बोलते हैं कि आप बच्चों के साथ बात कीजिए, तो यहाँ में भी हम बच्चों के साथ ही बात करेंगे, क्योंकि वहाँ में मेरे बच्चों के बिना बात नहीं किया, तो आज हमें एक साथ बात करना है, हमारी डिमांड है जो भी बात होगा, चाहे और डिग्री स्टूडेंट हो, डिप्लोमा स्टूडेंट हो, डिप्लोमा के पेरेंट्स हो और डिग्री के पेरेंट्स, सब जब यूनिवर्सिटी एक मान के इन लोग प्रिंसिपल एक है, एचओडी एक है, तो हम सब एक साथ बात करेंगे, हमारा डिमांड यही है। अच्छा एक और बात क्लैरिफाई करना है, जो इनविटेशन सेंड किया गया था वो सिर्फ डिप्लोमा के पेरेंट्स को सेंड किया गया था ना? नहीं नहीं, क्योंकि डिग्री के पेरेंट्स को भी सेंड किया गया था, सेंड नहीं किया गया था, दिया हुआ था कि डिप्लोमा स्टूडेंट एंड बोथ डिप्लोमा एंड डिग्री पेरेंट्स, बहुत डिप्लोमा एंड डिग्री पेरेंट्स इस तरह उनका मेंशन हुआ है, तो इसलिए हम आए हैं आज और हम चाहते हैं कि सभी एक साथ आज एक ही दिन इन लोग फैसला कर ले कि क्या चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरी बेटी डिप्लोमा करके लेटर एंट्री वाली है, 2 साल तक इन्होंने पेरेंट्स को बुलाया ही नहीं, पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी नहीं किया, जब ये कोर्ट में चले जाते हैं तब भी इन्फॉर्म नहीं करते हैं, मेरे बच्चे का बिहाफ में ये कोर्ट में लेके गए, लेकिन आज डिसीजन का समय में ये क्यों बच्चों को साथ में बात करने नहीं दे रहे हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि चारों सब एक साथ, डिप्लोमा स्टूडेंट, डिग्री स्टूडेंट एंड बोथ डिप्लोमा पेरेंट्स एंड डिग्री पेरेंट्स के बच्चे सब एक साथ बात हो, आज एक ही दिन में सब क्लियर हो जाए। तो जैसे आपने देखा इससे पहले कि यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और डिग्री डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वो दोनों ही यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सुबह से ही यहाँ पर खड़े हैं, मीटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो बीटेक के स्टूडेंट्स को नहीं अलाउ किया जा रहा था अंदर, और बीटेक के पेरेंट्स और डिप्लोमा का पेरेंट्स और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को अलाउ किया जा रहा था, ये डिमांड पेरेंट्स लगातार रख रहे थे कि बीटेक के स्टूडेंट्स को भी अंदर अलाउ किया जाए, मीडिया को भी अलाउ किया जाए, जब ये चीज़ मना कर दिया तो पेरेंट्स यहीं पे खड़े थे और लगातार यही डिमांड कर रहे थे, और उसके बाद अभी कॉलेज की तरफ से एक अथॉरिटी आया और उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि जो है एक नेक्स्ट डेट दिया जाएगा, उस डेट में सबको कंबाइंड एक साथ बुलाया जाएगा और अभी ये मीटिंग यहाँ पर नहीं होगा, तो बस यही बोलकर वो कॉलेज की अथॉरिटी चले गए और पेरेंट्स अभी भी यहाँ पर जमा है,
और आगे हम आपको दिखाते रहेंगे कि पेरेंट्स क्या नेक्स्ट क्या एक्शन लेते हैं, उनका नेक्स्ट क्या स्टेप रहेगा। हाँ, जैसे हमने अपना प्रस्ताव रखा था कि बीटेक स्टूडेंट और जो भी है डिप्लोमा के पेरेंट्स और टीचर सभी एक साथ हम मीटिंग करेंगे, तो अभी हमको ये बोला गया है कि नहीं, हम इसका हम दूसरे डेट डालेंगे, तब हम सभी को बुलाएंगे। तो मैं यही बोल रही हूँ कि मतलब अभी जो भी है जो इनका प्लानिंग था अभी तो सब बेकार हो गया, इसलिए अभी नया प्लानिंग बनाने के लिए मेरे को लगता है ये ऐसा कुछ अभी फिर डेट देंगे। अभी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग वेट करेंगे या आप लोग अभी चले जाएंगे नेक्स्ट डेट का वेट करेंगे? अभी जब ये मीटिंग कर ही नहीं रहे तो नेक्स्ट डे का ही वेट करना पड़ेगा, और ऐसे भी हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका ही है। आज ये पूरा आपके आने के बाद अंत में क्या तय हुआ है, क्या करना है? आज देखिए, आज हमारा मीटिंग बुलाया गया था 11 बजे, अभी 12 बज चुका है। हम लोग आज मीटिंग तीन डिमांड रखे थे कि पूरा डिबेट के बच्चे को साथ मीटिंग होना है, डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट के साथ और पेरेंट्स के साथ वो, और प्रिंसिपल यहाँ में मीटिंग बुला के प्रिंसिपल गायब था, तो हमने प्रिंसिपल का भी डिमांड किया, लेकिन वो जो है फुलफिल नहीं कर पाए। अभी 12 बज चुके हैं, हम लोग सब पेरेंट्स जो है डिसाइड है कि मीटिंग करेंगे, लेकिन टीचर्स बायकॉट है। 11 बजे बुलाए थे आपको? हमको 11 बजे बुलाए थे, एक घंटा हो गया, सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट है मीटिंग करने के लिए तैयार है, लेकिन टीचर्स बायकॉट कर दिए है, मीटिंग नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमको नेक्स्ट डेट बुलाया जाएगा कि आप लोग फलाना डेट में आ जाना, तो हम तभी आएंगे जब सारे बच्चे को बीटेक और डिप्लोमा के पेरेंट्स और बच्चों को मीटिंग बुलाएंगे, तो तभी आएंगे। और प्रिंसिपल होना चाहिए, डिप्लोमा बच्चे और वो प्रिंसिपल होना चाहिए मीटिंग में, हम लोग प्रिंसिपल का साथ ही मीटिंग करना चाहते हैं, और कुछ नहीं। और तीनों रहे तो बुलाइएगा, नहीं है तो आप लोग आइए, पेमेंट लीजिए और घर जाइए। सर, हम आज ये भी डिमांड करते हैं कि हम आधा घंटा के लिए वेट करेंगे, अगर उन लोग आज मीटिंग कर लेते हैं, जो बच्चे बीटेक के बच्चे हैं उनको हम कॉल करके बुला लेते हैं, इतना भी हम राजी हैं आज ही मीटिंग करने के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं, आज हम लोग वेट करके आज ही करना। आप लोग सारे पेरेंट्स आए हैं डिप्लोमा वाले, हाँ, तो आज मीटिंग क्यों नहीं करवाते टीचर से बात? वही हम लोग चाहते हैं कि आज ही मीटिंग करें। उन लोग बोल रहे हैं कि आज का मीटिंग सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए तैयार थे, उन लोग बीटेक के स्टूडेंट के लिए तैयार ही नहीं थे। क्या तैयारी थे? हमें क्या तैयारी चाहिए? लड़ने के लिए तैयारी चाहिए। उन लोग पूछे से कि डाकू है, पता नहीं उन लोग तो वो प्लानिंग में आते हैं कि कौन से नहीं। सर, ये है कि प्रॉब्लम बच्चों का है तो बच्चों को क्यों नहीं आने दोगे? तो हम जाके वहाँ क्या गाएंगे? नहीं लग रहे दो ग्रुप, तो बच्चे साथ में रहेंगे तो प्रॉब्लम वो बताएंगे ना। तो अब यही है कि जुड़ गए हैं, जब दोनों जुड़ गए हैं तो सारे बच्चों को एक साथ बुलाइए, सारे पेरेंट्स बच्चे बुला के एक ही मीटिंग रखिए प्रिंसिपल के साथ में, खत्म करिए। बुक योर ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स ऑनलाइन विद अंडमान ब्लू बे हॉलीडेज, अंडमान्स फर्स्ट फ्लाइट टिकट ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट। Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 9933215764.